आपने ट्वीट किया था साथियों तैयार रहना जौनपुर के लिए, उसके बाद आपको एक कोर्ट से नोटिस आता है और उसके बाद आपको जेल जाना पड़ता है। किस तरह से ये पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो तय था, वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और न्यायिक प्रक्रिया, अभी हमारा मामला न्यायपालिका में अपील पेंडिंग है, इसलिए उससे किसी उस विषय पर बात करना नहीं उचित है। राजनीतिक मसलों पे आप बात करिए, जो जो चीज़ सब जुडिस है उस पर बात नहीं की जाए। जौनपुर का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत बहुत समर्थन है जौनपुर का। अभी तो हम आए हैं, आज पहला दिन है, काफ़ी दिनों के बाद हम जेल से छूट के आए हैं। जिस तरीके से अभी मैं आ रहा था, मुझे तो महावीर दर्शन किया वहाँ पर बजरंगबली जी का, उसके बाद वासुरापुर होते हुए शाहगंज होते खेतासराय गुरैनी होते, जिस तरीके से मेरे हर जात धर्म मजहब के लोगों ने एकदम सड़कों पर आके जिस उत्साह के साथ इस खुशी के साथ मुझे मेरा स्वागत किया, मैं उससे अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को मैं देख रहा था, उनके अंदर एक पीड़ा थी कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत। जिस दिन बेल हुई, पहले अभय सिंह जनपद जौनपुर में आए थे, उन्होंने तमाम कटाक्ष आपके प्रति बोले, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ड्रोन तक आपको कह के यहाँ से चले गए। अपराधियों के सवालों का जवाब उससे न पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी दिन अपराध की हिस्ट्री दे दूँगा तो जाकर उससे पूछ लीजिएगा, बाकी और राजनीतिक मसलों के बाद। जिस दिन बेल हुआ आपको, उसके कुछ घंटे पहले यहाँ से आपकी जेल शिफ्टिंग कर दी गई, उसके पीछे क्या कारण मान लीजिए? हैरेसमेंट था। अगर मान लीजिए कि न्यायपालिका से मामला डिजर्व था, डिसीजन ऑफ कोर्ट अपलोड भी हो गया था साइट पे कि सैटरडे को उसमें जजमेंट आना है, तो वेट करना चाहिए था। अगर मुझे बेल मिलती तो मैं ही छूट जाता, अगर बेल नहीं मिलती तो आप उसके बाद जो भी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जेल प्रशासन हो, किसी ने मेरे खिलाफ नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत शांति से रह रहा था, और उसके बाद आप जो है आनन फानन मेरा स्थानांतरण कर दे रहे हो शासन स्तर से। इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन नहीं ली गई, ना उसे इंटीमेट किया गया। मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, मैं चुनाव कौन, और जबकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, डॉक्टरों का पैनल मुझे लिख के गया था वहाँ पर, और अब नहीं, पिछले 16 मार्च से ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बैक का और इसमें नी में ऑपरेशन हुआ था मेरा लिगामेंट का, थोड़ा इंजरी आ गई थी मुझे, तो उसको लेके उसके बाद भी मुझे भेज दिया आपने, एम्बुलेंस से भेज दिया। इसका मतलब कहीं मनसा ठीक नहीं थी, हम बीमार हो जाए और ख़राब हो जाए मेरी सेहत ताकि हम चुनाव पार्टिसिपेट ना कर सकें। क्या विपक्ष डरी हुई है इसलिए आपको बरेली जेल शिफ्ट किया गया? हम ये पूरे विपक्ष को तो नहीं कह सकते, वो तो बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हाँ जौनपुर में जो लोग हैं वो तो जरूर डरे हुए हैं। भाभी जी प्रेस वार्ता में कह रही थी कि हत्या की आशंका, आपकी हत्या हो सकती है, किससे आप डर? देखिए, वो उनका वो बयान था, पत्नी है मेरी, उनको अपने निश्चित रूप से उनको अपने पति की चिंता थी, उनको इन सब चीज़ों से बहुत वास्ता नहीं था। मेरा स्थानांतरण आनंद फानंद में होने लगा, हाईकोर्ट का उनको तो मालूम था हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला है, उसके बाद जो होगा, अचानक ट्रांसफर की बात में उनको एक अजीब सा उनके लिए लगा, उनको जो समझ में आया उन्होंने बात कही। और आप लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई, लोग जानते हैं, उस आधार पर उन्होंने अपनी बयान दिया, उनका वो एक इनोसेंट बयान था, एक किसी भी महिला के, आपकी पत्नी होगी, आप पे मुसीबत आएगी तो वही बयान देगी वो जो मेरी पत्नी ने दिया। हाथी की सवारी कर रहे, कितना जीत सुनिश्चित समझ रहे हैं? ऐसा है, हाथी से हम लोग यहाँ से 2009 में जीते थे, ठीक है, और फिर 2024 में, आप देखिए